तो गाइज अगर आपको भी करानी हो अपने पेटीएम अकाउंट की KYC तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, तब आप एक मिनट में अपने पेटीएम की KYC खुद से कर पाओगे, खुद से जान जाओगे कैसे करनी है। दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी जिनमें बताया जा रहा है कि भाई ये कर लो वो कर लो और अपने मोबाइल से आप अपने पेटीएम की KYC कर पाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है वो मैं आज आपसे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखना, नहीं तो आपको ऐसी जो और यूट्यूब वीडियो होती हैं उनमें आप उलझ जाओगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल पर दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज बाद में भूल जाओगे वीडियो देख कर चले जाओगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर देना भाई, लाइक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी को दे पाते हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम KYC के बारे में। तो दोस्तों पेटीएम ने अभी हाल ही में एक ऑफिशियल एक पेज बनाया, अपने पेमेंट बैंक पर एक पेज दिया कि उसमें आप सभी अपने मतलब जितने भी करीबी KYC सेंटर हैं उनको सर्च करके पेटीएम की KYC कंप्लीट करा सकते थे। लेकिन वहाँ पर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन अभी रखी गई हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, पूरा क्लियर कर दूँगा कि भाई आप सबकी पेटीएम KYC होगी तो कैसे होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो ज़रूर से देखना, आप सभी के सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप सभी का अकाउंट मान लीजिए फुली KYC है, पहले तो जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई के नाम से है और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है फुली KYC है, ये कोई स्क्रीन शॉट नहीं है, ये मेरा ही एक पर्सनल पेटीएम अकाउंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मैंने किस तरीके से करी थी और आपको किस तरीके से करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपके में कुछ इस तरीके से सिंबल आ रहा है तो इस तरीके को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले पेटीएम ने यहाँ पर कुछ ही जो है जो स्टेट हैं उनके कुछ ही कुछ यहाँ पर जो स्टेट के सिटी हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उनको यहाँ पर जो है लागू किया है कि भाई इन अकाउंट की जो है KYC हो सकती है। तो किस किन अकाउंट की, देखिए पेटीएम का कहना है कि भाई अभी जिनकी मिनी KYC कम्प्लीट है, मिनी KYC का मतलब क्या है कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड पहले जब आधार कार्ड पेटीएम से रजिस्टर हो रहे थे कि भाई अपने पेटीएम में अपना आधार कार्ड रजिस्टर कर लो, उस समय अपना आधार कार्ड रजिस्टर कर लिया था तो उनकी तो KYC कंप्लीट फुल हो सकती है अभी वर्तमान समय में, ठीक है। अब जिनकी बिल्कुल भी KYC कंप्लीट नहीं है उनके लिए पेटीएम ने कहा है कि भाई नए मतलब यहाँ पर एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको ओपन करना और उन आपको सारी जानकारी पता पड़ जाएगी कैसे करना है। देखिए पेटीएम का ये मतलब पेटीएम की अभी जो जिनका नया अकाउंट है उनकी तरफ से यहाँ पर कोई भी नई न्यूज़ यहाँ पर निकल कर नहीं आई है। उनकी KYC कैसे होगी नेक्स्ट टाइम होगी तो, बट अभी कोई उसके लिए न्यूज़ नहीं है। अब जिनकी मिनी KYC कंप्लीट है उनको कैसे चेक करना है कि भाई हमारी मिनी KYC जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में अब भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आपको पूरे सभी के सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सभी को जाना है और सिलेक्ट स्टेट का, तो यहाँ पर अभी कुछ ही स्टेट देख सकते हो। देखिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है बट मैं उसको मैं वीडियो में कुछ भाई को मेरे समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि हमारी जो KYC थी वो आधार कार्ड से कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई हमारी जो KYC है वो आधार कार्ड से कंप्लीट नहीं होगी। मैंने अपनी KYC जो आधार कार्ड से कंप्लीट कराई है लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल किसी कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को वोटर ID कार्ड चाहिए, ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अपनी KYC अपने नियर सेंटर पर करा सकते हो, बट इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है और आपकी पेटीएम की KYC जो है मिनी होनी चाहिए, आपने पहले आधार कार्ड लगा हुआ होना चाहिए तब जाके आपके वोटर ID कार्ड जो सब जितने भी ये जो सब डॉक्यूमेंट है तब जाके वेरीफाई होंगे। वेरीफाई नरबी KYC सेंटर पर ही होंगे, KYC सेंटर कोई सा हो सकता है, चाहे आपका दूर का हो या पास का। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो स्टेट हैं हमारे कब तक ओपन हो जाएंगे। अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है और उसमें भी कुछ ज़िले आ रहे हैं जो कि आपके आसपास पड़ते हैं तो भाई जाओ और अपनी पेटीएम की KYC कंप्लीट करा लो, लेकिन पेटीएम की KYC कंप्लीट उन्हीं की होगी जिनकी मिनी KYC कंप्लीट है। ये यहाँ पर पेटीएम अगर अब मान लीजिए मेरा जिला है यहाँ पर आगरा, अब आगरा में देख सकते हो ये जो दुकान है तुरंत ओपन होकर आ चुकी है, ये शॉप है। अब मैं इसको गूगल मैप पे सर्च कर रहा है, इसको कहाँ सर्च करना है गूगल मैप पर, वहाँ से इस KYC सेंटर का नंबर निकल कर आ जाएगा और नंबर से आपको बात करनी है
क्या क्या प्रोसीजर करना है, पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। डॉक्यूमेंट तो एक ही लगेगा यहाँ पर निश्चित है, बट फिर भी शॉप ओपन है नहीं है, क्या मतलब क्या प्रोसीजर है वो वहाँ पे आप सभी को समझ में आ जाएगा। वैसे क्या होता है, आपका वहाँ पे नंबर ओटीपी जाएगा और आपका जो आधार कार्ड उसमें अब जो भी आप उसमें लगवा रहे हो वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन कंप्लीट होगी आपकी नरवी केवाईसी सेंटर पर ही। तो पूरा इस वीडियो में समझ में आ चुका होगा, तो मुझे आगे से कोई वीडियो बनाने की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, और मैं ऐसी अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, गुड बाय एंड बाय। और अब भी अगर कुछ आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर।